इटावा कानपुर से आई एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल अरुण कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सिविल लाइन इलाके में एसएसपी आवास के पास से किया गया गिरफ्तार, विरासत की जमीन को इंद्राज करने के नाम पर 2000 रुपए की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार। कानपुर से आई एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों एक लेखपाल अरुण कुमार को किया गिरफ्तार। बादी प्रमोद गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। थाना सिविल लाइन इलाके के प्रमोद गुप्ता ने बताया कि दिसंबर 2020 में विरासत जुड़वाने के लिए तहसील सदर इटावा में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर लेखपाल अरुण कुमार के द्वारा 5000 रुपए की मांग की जा रही थी। कई महीनों काम न करने पर लेखपाल अरुण कुमार 2000 रुपए रिश्वत लेने पर तैयार हो गए, जिसकी जानकारी कानपुर जाकर एंटी करप्शन टीम को दी गई, जिस पर आज इटावा में एसएसपी चौराहे पर 2000 रिश्वत देते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद लेखपाल को जेल भेज जाने की तैयारी चल रही है। ऐसा था कि मैंने अपनी विरासत चढ़ाने के लिए लेखपाल साहब को तहसीलदार साहब को आवेदन दिया था, तो वो आवेदन लेखपाल साहब के पास में आया, तो मैंने तहसीलदार साहब से बात की कि साहब हमारा आवेदन पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ। उनकी जाके अरुण कुमार से लेखपाल से मिल लो, वो तुम्हारे लेखपाल हैं, वही रिपोर्ट लगा देंगे और आपकी विरासत चढ़ जाएगी। तो मैं लेखपाल साहब के पास में गया, तो बोले कि कुछ खर्च पानी करो तो तुम्हारी विरासत चढ़ा दें हम। हनी भाई, इसमें खर्च पानी करने की क्या चीज़ है भाई, पिताजी हमारे ख़त्म ही हो गए, माताजी ख़त्म ही हो गई, खतौनी मेरे नाम है, विरासत में हम आते तो हमारा नाम आप चला दीजिए। तो ये लगभग आप 12वें महीने में इनको आवेदन दे के आई थी, दिसंबर में 20 में, तो तब से हमको ये बराबर टहला रहे थे कि आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, और रुपए मांग रहे थे कि रुपए दो, तब तो चढ़ेगा नहीं था, नहीं चढ़ेगा, 5000 रुपये मांग रही थी, 5000 रुपये जी हाँ, तो 5000 रुपये मैंने दिए नहीं उनको। फिर हम एंटी करप्शन में जाके इनकी कंप्लेंट की, वहाँ विधिवत कार्रवाई करने के बाद में तो हमने कि भाई 1000-2000 रुपये चाहिए तो ले लो, व्यवस्था बनाए आपकी हम, तो 2000 रुपये लेकर के हम एंटी करप्शन के पास में गए, वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई। आज उनके आकर के विधिवत कार्रवाई करके एसएसपी चौराहे पे मैंने उनको रुपये दिए, उन्होंने रुपये ले लिए और पीछे से एंटी करप्शन टीम ने उनको पकड़ लिया। अकेले ये लेखपाल थे, इनके साथ और भी लोग? नहीं, लेखपाल एक साथ में और कोई था, पर लेखपाल यही अकेले थे। अब कौन था? अरुण कुमार। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह, प्रभारी कानपुर का ही। अच्छा, आज जो है आपने रिश्वत देते हुए किसी को पकड़ा हुआ, क्या पूरी जानकारी है? ऐसा है, प्रमोद कुमार गुप्ता जो यहाँ इटावा सिविल लाइन के रहने वाले हैं, इनका कोई विरासत का काम था, उसमें चढ़ने को था नाम, उनसे ये लेखपाल साहब जो है अरुण कुमार से मिले, तो उनसे इन्होंने 2000 रुपये की मांग की, उसके बाद कहा प्रार्थना पत्र जो ऑनलाइन गया था, 2000 रुपये लेकर के ये काम करने के लिए इन्होंने राजी हुए, उसी पर इन्होंने जो है आज रेड डलवाया और रंगे हाथों तो उनको ट्रैप किया गया, उनसे 2000 रुपये बरामद हुए और उनका मुकदमा थाना सिविल लाइन में पंजीकृत किया जा रहा है और उनके बाद जेल भेजा जाएगा।